मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि वैवाहिक विवाद में अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष के जेंडर के बारे में कोई सवाल उठाता है तो उस स्थिति में अदालत उस पक्ष को मेडिकल जांच का आदेश दे सकती है और इस संबंध में निजता की उल्लंघन की गुहार कोई मायने नहीं रखती। यह आदेश न्यायमूर्ति सुबोध अभयंकर ने दिया। इस बारे में सुरभि त्रिवेदी ने अपने वकील संपूर्ण तिवारी के माध्यम से एक याचिका दायर की थी, जो पारिवारिक अदालत के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। पारिवारिक अदालत के प्रधान न्यायाधीश ने उसके जेंडर की जांच किसी महिला मेडिकल डॉक्टर से कराने का आदेश दिया था। पति का आरोप था कि पत्नी ट्रांसजेंडर है। याचिकाकर्ता ने पारिवारिक अदालत में खुद एक आवेदन दायर कर अपने वैवाहिक अधिकारों को दिलाए जाने की मांग की थी, जबकि पति गौरव त्रिवेदी ने CPC की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर कर अपील की थी कि याचिकाकर्ता की मेडिकल जांच कराई जाए, क्योंकि उसमें महिला सुलभ गुणों की कमी है और वह ट्रांसजेंडर है। याचिकाकर्ता ने इस बारे में निजता का मामला उठाया और कहा कि उनकी शादी को 8 साल हो गए हैं और इस दौरान दोनों में शारीरिक संबंध बने हैं, पर पारिवारिक अदालत ने उसके मेडिकल जांच का आदेश दिया। हाईकोर्ट के सामने सुरभि ने कहा कि उसे स्त्रीत्व की मेडिकल जांच के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 के तहत उसको मिले अधिकारों का उल्लंघन होगा। प्रतिवादी पति की दलील से सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति अभयंकर ने कहा कि पारिवारिक अदालत ने स्त्रीत्व की मेडिकल जांच का आदेश देकर कोई गलती नहीं की है और न ही उसने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। अदालत ने कहा कि किसी वैवाहिक विवाद में अगर किसी एक पक्ष के जेंडर के बारे में दूसरा पक्ष सवाल उठाता है तो इसका महत्व बढ़ जाता है और यह सवाल उठाने वाले पक्ष को इस बारे में सबूत देना होता है और दूसरे पक्ष को इसका खंडन करना होता है। इस तरह मेडिकल जांच के पारिवारिक अदालत के आदेश को सही ठहराया गया। अदालत ने यह चेतावनी भी दी कि अगर इस तरह परेशान करने की अगर कोई मंशा है तो अदालत इस तरह का आरोप लगाने वाले से इसकी भारी कीमत चुकाने को कह सकती है, ताकि इस तरह के प्रयासों को हतोत्साहित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट।